गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में दूर दूर से आमजन अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जनता दरबार में विधायक राकेश दौलताबाद ने लोगों की समस्याओं को सुना। विधायक ने कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया। वह इस मौके पर जिला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, समस्या जो है वो विधायक के पास तो आएंगे ही, जब लोगों को कोई समस्या होगी तो। और समस्या अलग अलग तरीके की है, कभी किसी को कोई पर्सनल समस्या हो जाती है, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो जाती है, किसी को बिजली से रिलेटेड हो जाती है। तो समस्याएं जो है इस अलग अलग तरीके की है। समाधान किस तरह से होता है समस्या? जैसे डिपार्टमेंट जो है उनके साथ तालमेल करके, जनता का और डिपार्टमेंट का वो तालमेल जो है उसको कराया जाता है, जिसकी वजह से समस्याएं ठीक होती हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और एक तरफ जो है आपको कच्ची कॉलोनियां मिलेंगी, कहीं पे आपको 900 मीटर 300 मीटर का इश्यू मिलेगा। ऐसी समस्याएं पूरे हरियाणा के अंदर जो है एक ही विधानसभा के अंदर, और यही एक विधानसभा ऐसी है जिसके अंदर कि आप ये देखोगे कि HSVP से भी लोगों को काम पड़ता है, MCG से भी काम पड़ता है, MCM से भी काम पड़ता है, और हमारे यहाँ पे पंचायत के साथ साथ जो मैंने आपको विभाग बताए वो अलग अलग जो है। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारा ऐसा वो आता है जो प्रॉब्लम, जिसमें कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, जैसे अभी ये सारे भाई आपके साथ ये बैठे हैं अनअप्रूव्ड कॉलोनी केस है, ये 900 मीटर का भी इधर विषय है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं ये पूरे हरियाणा में सबसे अलग है।